आज हम इतिहास में कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बच्चों आपने 10वीं में भी पढ़ा है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से प्रारंभ हुआ था। हमने इसके पहले 1857 की क्रांति पढ़ा था, वह असफल था, लेकिन यह जब आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन ये दोबारा चालू हुआ, इसमें जो था एकजुटता होने के कारण, प्रचार प्रसार का माध्यम होने के कारण ये जो है सफल हुआ। आगे हम और देखेंगे कि क्या क्या किया। फिर इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी, और इसकी स्थापना के साथ ही जो राष्ट्रीय आंदोलन जो था वह प्रारंभ हो गया था। इसकी स्थापना जो है ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, इसे जन्मदाता भी कहा जाता है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन को हम तीन भागों में विभाजित करके उसको पढ़ेंगे कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण जो था वह प्रथम चरण जो था 1885 से 1905 तक था, जिसमें नरम दल और उदारवादी काल कहा जाता है। ये नरम दल और उदारवादी काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो था वह जो नेता थे जो राष्ट्रवादी आंदोलन में जो भाग लिए थे वे सिर्फ आवेदन करते थे, उनसे निवेदन करते थे और अपने हक मांगने की कोशिश करते थे, लेकिन उसमें सफल नहीं होते थे। इस तरह से इनके प्रमुख नेता जो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये प्रमुख नेता थे, लेकिन इनके साथ जो थी पूरी जनता उनके साथ कार्य कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सफल इसलिए नहीं था कि उन लोग सिर्फ निवेदन करते थे, उदारवादी ढंग से कार्य कर रहे थे, इसलिए वे सफल नहीं हो पा रहे थे। सिर्फ उन्हें सांत्वना मिल रही थी लेकिन कार्य नहीं हो रहा था। फिर हम देखेंगे द्वितीय चरण। वे द्वितीय चरण जो था 1905 से 1919 तक का माना जाता है, जिसमें गरम दलवा उग्र, उग्र से समझ में आ रहा है कि गुस्सा, मतलब इनमें गुस्सा था, इसलिए उग्र राष्ट्रीय काल भी कहा जाता है। क्योंकि इनमें गुस्सा इसलिए था कि हम निवेदन कर रहे हैं, इतनी मांगे कर रहे हैं, लेकिन वह हमारी मांगे जो है वह पूरी नहीं हो रही है, इसके लिए हमें जैसे को तैसा करना होगा और उनसे हमें लड़ाई करनी होगी, तभी ये हमें हमारा राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वह हमें प्राप्त होगी, हमारा स्वराज हमें प्राप्त होगा। इसके प्रमुख नेता जो थे बाल गंगाधर तिलक थे, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय आदि थे। इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, उग्र जो विचारधारा के जो थे उनमें लाल बाल पाल भी याद रखेंगे तो आपको तीनों नेताओं के नाम याद हो जाएंगे। फिर है तृतीय चरण। तृतीय चरण में 1919 से 1947 तक का माना जाता है, जिसमें गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी जो थे वह सत्य अहिंसा से प्रेरित थे, क्योंकि उनकी माता जो थी हमेशा सत्य बोलती थी, वह एक अच्छी गृहिणी थी, जिसके कारण कि वह उनका विचारधारा जो थी वह गांधी जी पर पड़ा। उन्होंने जो है सत्याग्रह जो शुरू किया था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अस्त्र शस्त्रों के साथ जो भारतीय राजनीति में उन्होंने, मतलब इसमें जो है अस्त्र शस्त्र उसके क्या थे, सत्य और अहिंसा थे। इन शस्त्रों का प्रयोग करके उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या था, जो सत्य था, जो सत्य असत्य था उसको सत्य की ओर लेके जाना, हिंसा को अहिंसा के आधार पर उसको कार्य करना, और उसके साथ साथ लोगों को प्रेरित करना कि हम इस तरह से भी हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से गांधी जी का एक अचूक ब्रह्मास्त्र था जो कि सत्य अहिंसा पर आधारित था, और साथ ही साथ वह इसको एक सरल किंतु अचूक उपाय मानते थे। किसको? सत्याग्रह को। सत्याग्रह जो था एक अचूक ब्रह्मास्त्र। अब यहाँ पर हम देखेंगे सत्याग्रह, जिस तरह से गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह जो है उनके लिए क्या था, एक अचूक ब्रह्मास्त्र था, एक अचूक शस्त्र था, जिसको कि वह यूज करके वह हर जगह जो है वह सफल होते चले जा रहे थे। तब इन्होंने प्रारंभिक जो था वह कहाँ प्रयोग किया, सबसे पहले चंपारण, जहाँ पर कि नील की खेती होती थी, यहाँ पर नील की खेती होती थी, वहाँ पर किसानों के साथ जो शोषण हो रहा था, तो
उसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा और उनके शोषण से मुक्त करने के लिए यह असहयोग आंदोलन यहाँ पर मतलब जो सत्याग्रह था उन्होंने उसको चालू किया और किसानों को वहाँ पर न्याय दिलाया। उसी प्रकार से दूसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह। यहाँ पर जो मिल मालिक थे, मिल मालिकों द्वारा कर्मचारियों का वहाँ पर शोषण किया जा रहा था, तो यहाँ पर भी उसको उनको शोषण से मुक्त कराने के लिए यहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया और उनको मुक्ति दिलाई। फिर इसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में भी किसानों को न्याय दिलाने के लिए, यहाँ पर भी किसानों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया, जिसमें कि उन्होंने किसानों से ये कहा गया कि उत्पादन इस समय नहीं हुआ है तो उनको लगान से कुछ छूट मिलनी चाहिए, या फिर वे लगान जो है जब उत्पादन होगा उसके बाद वे दे देंगे। इस तरह से हम गांधी जी के बारे में देखा कि गांधी जी ने किस तरह से ये तीन जो है सत्याग्रह का जब उन्होंने प्रयोग किया तो इसके बाद गांधी जी की जो है विख्यात जो है वह प्रसिद्ध होने लगे, सब कुछ जानने लगे कि गांधी जी कौन है। और इस तरह से गांधी जी की जीवनी आप लोग पढ़े हुए हैं कि गांधी का जन्म कहाँ हुआ, गांधी जी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी उनके पिता जो थे, उनकी माता थी पुतलीबाई, उनकी 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था। इस तरह से हम गांधी जी के आगे जब हम देखेंगे तो गांधी जी के जो हैं हम आगे के आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह की जितने भी आंदोलनों में भारत गांधी जी का योगदान था उसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे।